कि जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने प्रेरणा स्रोत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं आदरणीय प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र जी से आग्रह है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अब मैं आदरणीय भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्वाती निरंजन ज्योति जी से आग्रह करता हूं कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। 28 अप्रैल 1858 खजुआ ग्राम के बावनी इमली में ठाकुर जोधा सिंह अटैया के साथ 52 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। उनकी स्मृति में ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह आदरणीय जिलाध्यक्ष दिनेश वाजपेयी जी फतेहपुर के द्वारा दिया जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अब मैं नगर विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो फतेहपुर जनपद के ऐतिहासिक विषय पर अपनी पुस्तिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित सभी विधानसभा के प्रत्याशियों से आग्रह है कि वो बड़ी माला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। फतेहपुर जनपद और बांदा जनपद के सभी प्रत्याशियों के द्वारा आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति से आग्रह करता हूं कि वो आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में दो शब्द कहें। बोले भारत माता की। अभी पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही, ये फतेहपुर की आवाज इतनी है क्या? जरा जोर से बोलिए भारत माता की। अभी पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आई, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। आज इस फतेहपुर ऐतिहासिक जिले में भारत के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अयोध्या पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद अयोध्या में जब संबोधन करेंगे तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री किस तरह से अयोध्या वासियों को साधेंगे। अयोध्या एक ऐसी जगह, एक ऐसी सीट, एक ऐसा केंद्र सियासत का कह सकते हैं जो हाल फिलहाल में बन चुका है। जब से राम मंदिर के बनने का ऐलान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद वहां पर शिलान्यास किया गया और अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी को ये जगह काफी सेफ नजर आती है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, तो प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना काफी दिलचस्प हो जाता है वहां के समीकरणों को देखते हुए। और ऐसे में वहां की जनता आज पूरी तरह से स्वागत के लिए वहां पर तैयार थी। सुबह से ही हम आपको तस्वीरें, रिपोर्ट्स दिखा रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद वहां की तस्वीर किस तरह बदल जाएगी और ज्यादा,